साइंस टू लेसन नंबर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन। इस लेसन का ये फर्स्ट लेक्चर है। देर आर वैरायटीज ऑफ एनिमल्स अराउंड अस, तो हमारे आजू बाजू में बहुत सारे वैरायटीज अलग अलग टाइप्स ऑफ एनिमल्स रहता है। सम एनिमल्स आर टू स्मॉल वेर एज सम एनिमल्स आर टू बिग। कोई कोई एनिमल्स बहुत छोटे हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स होते हैं, स्पाइडर, फ्लाई, मस्कीटो, ये सब बहुत छोटे छोटे रहते हैं। वेर एज सम आर टू बिग। कोई कोई एनिमल्स बहुत बड़े रहते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग से भी बड़े बड़े एनिमल्स हैं, जैसे कि एलिफेंट, वेल, ये सब बड़े बड़े एनिमल्स हैं। सम एनिमल्स आर टेरेस्ट्रियल वेर एज सम एनिमल्स आर एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? जो ज़मीन में रहता है उसको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, और जो एक्वेटिक है वो जो एनिमल्स पानी में रहता है उसको एक्वेटिक बोलते हैं। तो कोई कोई एनिमल्स टेरेस्ट्रियल में है रहते हैं, दैट मीन्स दे लिव ऑन, दे आर ऑन ग्राउंड, एंड सम एनिमल्स आर एक्वेटिक। तो कोई कोई एनिमल्स जो है वो पानी में रहते हैं। सम एनिमल्स क्रॉल ऑन लैंड, सम एनिमल्स स्विम इन वाटर, सम एनिमल्स फ्लाई इन एयर। तो ये जो पॉइंट है वो एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में है। तो कोई कोई एनिमल जो रहता है वो क्रॉल करता है लैंड में, जैसे कि क्रोकोडाइल हुआ, लिजर्ड हुआ, तो ये सब क्रॉल करते हैं। सम एनिमल्स स्विम इन वाटर, कोई कोई एनिमल जो है वो पानी में स्विम करता है, जैसे कि फिशेस। सम एनिमल्स फ्लाई इन एयर, कोई कोई एनिमल जो है वो हवा में उड़ते हैं, जैसे कि बर्ड्स। सम एनिमल्स हैव स्केल्स ऑन स्किन वेयर एज सम एनिमल्स हैव फेदर्स और हेयर। कोई कोई एनिमल्स को स्किन में स्केल्स रहते हैं। स्केल्स जो रहता है वो एक्सोस्केलेटन रहता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो रहता है वो बाहर रहता है, और एंडोस्केलेटन जो रहता है बॉडी के अंदर रहता है। तो फिशेस में स्केल्स रहता है, क्रोकोडाइल्स में स्केल रहता है, ऑल दिस आर व्हाट एक्सोस्केलेटन। कोई कोई एनिमल्स को स्किन में फेदर्स रहता है, जैसे कि बर्ड, और कोई कोई एनिमल्स को हेयर रहता है, जैसे कि पोलार बेयर, याक। इनके सब स्किन में बॉडीज कवर्ड विथ व्हाट? हेयर। ये विंटर के टाइम में इन एनिमल्स को कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। देर इज़ ह्यूज डाइवर्सिटी अमंग द एनिमल्स टू। तो इस पॉइंट से, इन ये सब जो पॉइंट्स अभी पढ़े थे उसे हमें क्या पता चलता है कि आजू बाजू में हमारे जो अर्थ में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स है, उसमें बहुत डाइवर्सिटी है, सब एक दूसरे से एकदम अलग अलग दिखते हैं। अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडीज एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज ऑन अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन। तो अभी रीसेंट स्टडी से ये पता चला है कि एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज कितने टाइप्स के रहते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन। स्पीसीज का मतलब क्या होता है? प्रजाति, जैसे कि हॉर्स एक टाइप ऑफ स्पीसीज हो गया, कैट एक टाइप ऑफ स्पीसीज हो गया, डॉग एक टाइप ऑफ स्पीसीज हो गया, ह्यूमन बींग एक टाइप ऑफ स्पीसीज हो गया। तो अर्थ में ऐसे कितने टाइप्स ऑफ स्पीसीज है? अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन। दे हैव नॉट सेड एग्जैक्टली 7 मिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन। 7 मिलियन से ज़्यादा भी हो सकता है। नाउ इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी स्पीसीज। तो ये 7 मिलियन स्पीसीज अलग अलग पढ़ना बहुत मुश्किल है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी। तो हर एक स्पीसीज को अलग अलग पढ़ने में बहुत मुश्किलें आएगी, कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये कैसे पढ़ा जा सकता है, इन एनिमल्स के बारे में कैसे पढ़ा जा सकता है? तो ये इट बिकम्स ईजी टू स्टडी द वास्ट वेराइटी ऑफ एनिमल इफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स आर फॉर्म्ड डिपेंडिंग अपॉन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो ये एनिमल्स किंग जो वेराइटीज ऑफ एनिमल्स दिखाई देता है अर्थ में, जो स्पीसीज जो दिखाई देता है अर्थ में, उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए तो इट बिकम्स ईजी टू स्टडी द वास्ट वेराइटी ऑफ एनिमल्स। और इसको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में कैसे डिवाइड करते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। तो जो सिमिलर है वो सब एक ग्रुप में आएगा, डिफरेंसेस देखा जाएगा तो उसको अलग अलग डिफरेंसेस के फॉर्म में उसको अलग अलग ग्रुप में या सब ग्रुप में रखा जा सकता है। जैसे कि बच्चे स्कूल में क्यों जाते हैं? एडुकेशन के लिए। एडुकेशन कौन से टाइप के ऊपर रहता है? जैसे कि उसको अलग अलग ग्रुप में बना सकते हैं, जैसे कि लैंग्वेजेस हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया,
मैथ्स हो गया। अभी ये ग्रुप्स को अगेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप, जैसे लैंग्वेजेस थ्री टाइप्स ऑफ सब ग्रुप में होता है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। सोशल साइंस में टू सब ग्रुप रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। साइंस में तीन टाइप ऑफ सब ग्रुप है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैथ्स में दो टाइप ऑफ सब ग्रुप है, दैट इज़ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो इस तरह एनिमल्स को भी अगर ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए तो इट बिकम्स ईजी टू स्टडी अबाउट दैम। नाउ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल मेथड, पुराने ज़माने में एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया गया था। तो ट्रेडिशनली डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड, the animal kingdom has been divided into two groups, that is non-chordates and chordates. नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस में एनिमल किंगडम को दो ग्रुप में डिवाइड किया है, दैट इज नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। नाउ व्हाट इज नोटोकॉर्ड, दैट इज बैकबोन। तो बैकबोन अगर एनिमल में प्रेजेंट है तो उसको कॉर्डेट में डाला गया, और जो बैकबोन अगर एब्सेंट है एनिमल तो वो एनिमल्स को नॉन कॉर्डेट्स में डाला गया। तो नोटोकॉर्ड या बैकबोन प्रेजेंट या है या एब्सेंट है, इस बेसिस में एनिमल किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड किया है, टू ग्रुप्स में डिवाइड किया। व्हाट इज दैट, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। नाउ रेड कलर में जो लिखा है मैंने ब्रैकेट के अंदर, वो नोटोकॉर्ड का मीनिंग है। नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड बोला तो बैक साइड, डॉर्सल साइड इन डिटेल आई डिस्कस लेटर। अभी एट प्रेजेंट यू अंडरस्टैंड डॉर्सल मीन्स व्हाट, बैक of an animal body. It keeps the nerve tissue isolated from remaining body. The notochord, that means backbone, जो है वो rod like structure है, कहाँ पे present है, dorsal side of animal body, और it keeps the nerve tissue isolated from the remaining body. जो notochord, जो backbone है, उसके अंदर nerve tissues रहता है which is connected to the brain. This way the nerve tissues are isolated. बाकी सब body parts, जो internal body parts है, उसे separate रखा गया है from the remaining body. Now what is the difference between, now what is the characteristics of non-chordates and chordates, that we will discuss now. Non-chordates and chordates. Body is not supported by rod like notochord. The non-chordates mein notochord absent hai. Chordates mein body is supported by notochord. Yani chordates mein notochord is present. Non-chordates mein notochord is absent and chordates mein notochord is present. That is backbone. Jo backbone rehta hai wo body ko support karta hai. So body is not supported by rod like notochord. Your body is supported by rod like notochord. Pharyngeal gill slits are absent. The non-chordates mein pharyngeal gill slits absent hai. Gills means what? जो फिशेस में देखा होगा कि उनमें गिल्स है, और फिश जो रहता है वो गिल के थ्रू से ब्रीथ करता है। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट रहते हैं नॉन कॉर्डेट्स में, और कॉर्डेट्स में फेरेंजियल गिल स्लिट्स और लंग्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग, जैसा फिश वगैरह, फिश होते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो ब्रीथ कैसे करता है, गिल स्लिट्स से। और जो डॉग, कैट, ह्यूमन बींग्स है, वो कैसे रेस्पायर करता है, लंग्स के मदद से। जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो रहता है वो ह्यूमन बींग में भी, जब भी एम्ब्रॉय रहता है मदर के वूम में, जब भी एम्ब्रॉय रहता है तो उसमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स रहता है फॉर रेस्पिरेशन। बट जैसे जैसे एम्ब्रॉय मेच्योर होता जाता है तो गिल स्लिट डिसअपियर एंड लंग्स अपियर एंड दे ब्रीथ थ्रू द लंग्स। सो इन द बिगनिंग स्टेज, दैट इज इन द एम्ब्रॉय फॉर्म, कैसे ब्रीथ करते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट से। जैसे जैसे एम्ब्रॉय मेच्योर हो जाता है तो गिल स्लिट डिसअपियर और लंग्स अपियर होता है, और दे रेस्पायर थ्रू लंग्स। नर्व कॉर्ड इफ प्रेजेंट, यानी सब एनिमल्स में नर्व कॉर्ड नहीं रहता है, नॉन कॉर्डेट्स में सब एनिमल्स में नर्व कॉर्ड नहीं रहता है, कोई कोई एनिमल्स में नर्व कॉर्ड रहता है। तो अगर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है तो कहाँ पे है, इट इज़ ऑन दी वेंट्रल साइड, दैट इज ऑन दी फ्रंट साइड, एंड इट इज सॉलिड एंड पेड। और नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट, कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहता ही है। इफ वर्ड यूज नहीं किया है तो नर्व कॉर्ड सब एनिमल्स, कॉर्डेट्स का सब एनिमल्स में प्रेजेंट है, एंड इट इज ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, इट इज हॉलो। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस,
डॉर्सल और वेंट्रल का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि अभी एक एनिमल क्रॉल कर रहा होगा ऐसा ज़मीन में, तो ये उसका डॉर्सल साइड हो गया और ये उसका वेंट्रल साइड हो गया। ह्यूमन बीइंग्स में जहाँ पे बैकबोन है वो उसका डॉर्सल साइड है, और जो जहाँ पे हार्ट है वो उसका वेंट्रल साइड है। जैसे कि आई विल एक्सप्लेन विद दिस डायग्राम। जैसे कि ये एनिमल जो है चार पैर में खड़ा है, तो ये उसका डॉर्सल साइड हो गया, जो स्काई के तरफ फेस करता है वो उसका डॉर्सल साइड, और ये उसका वेंट्रल साइड, जो ग्राउंड के तरफ फेस करता है वो उसका वेंट्रल साइड। उसी तरह ह्यूमन बीइंग अगर क्रॉल करो, जैसे कि एक बच्चा क्रॉल कर रहा होगा, तो ये उसका डॉर्सल साइड हो गया और ये उसका वेंट्रल साइड हो गया। तो ह्यूमन बीइंग में डॉर्सल साइड में बैकबोन है और वेंट्रल साइड में हार्ट रहता है। तो दिस इज़ अ डॉर्सल साइड, दैट इज़ जहाँ पे बैकबोन रहता है वो उसका डॉर्सल साइड है ह्यूमन बीइंग में, और जहाँ पे हार्ट रहता है वो उसका वेंट्रल साइड है। अभी यहाँ पे लिखा है नर्व कॉर्ड इफ प्रेजेंट इट इज़ ऑन द वेंट्रल साइड, इट इज़ सॉलिड एंड पेयर्ड। तो जो नॉन कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड रहता है वो नर्व कॉर्ड पेयर्ड रहता है। पेयर्ड का मतलब क्या है, जोड़ी में रहता है। एंड इट इज़ सॉलिड, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। लेकिन कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड कैसा है, नर्व कॉर्ड इज़ प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, इट इज़ हॉलो, तो ये हॉलो रहता है। वंस अगेन आई रिपीट, नॉन कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड में। कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड में। और नॉन कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड जो रहता है वो सॉलिड और पैड रहता है, पैड बोले तो दो रहता है। और कॉर्डेट्स में इट इज़ हॉलो, इट इज़ नॉट सॉलिड, इट इज़ हॉलो। नेक्स्ट हार्ट, सब नॉन कॉर्डेट एनिमल्स में हार्ट प्रेजेंट नहीं रहता है, कोई कोई एनिमल्स में हार्ट प्रेजेंट रहता है। इसके लिए हार्ट इफ़ प्रेजेंट कौन सी साइड में है, डॉर्सल साइड में। और कॉर्डेट्स में सब एनिमल्स में हार्ट प्रेजेंट रहता है, इफ़ वर्ड नहीं यूज़ किया, यानी सब एनिमल्स में हार्ट प्रेजेंट रहता है। तो हार्ट अगर प्रेजेंट है तो कहाँ पे है, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। सो वंस अगेन आई विल रिपीट, यहाँ पे बॉडी में इज़ नॉट सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड, नॉन कॉर्डेट्स कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स में बॉडी इज़ नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाइक नोटोकॉर्ड, यहाँ पे बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड। यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट्स नहीं तो लंग्स रहता है फॉर रेस्पिरेशन। यहाँ पे नर्व कॉर्ड अगर प्रेजेंट होगा तो कहाँ कौन से साइड में रहेगा, वेंट्रल साइड में। यहाँ पे हर सब एनिमल्स के पास नर्व कॉर्ड रहता है, मतलब कॉर्डेट्स में सब एनिमल्स के पास नर्व कॉर्ड रहता है, और कौन से साइड में रहता है, डॉर्सल साइड में। नर्व कॉर्ड इज सॉलिड एंड पैड, या नर्व कॉर्ड इज हॉलो। हार्ट इफ़ प्रेजेंट, यानी सब एनिमल्स नॉन कॉर्डेट का सब एनिमल्स के पास हार्ट नहीं रहता है, अगर हार्ट होगा तो कौन से साइड में रहेगा, डॉर्सल साइड में। मगर कॉर्डेट्स में सब एनिमल्स के पास हार्ट रहता है, और हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम एनिमेलिया वॉज डिवाइडेड इंटू टू सब किंगडम, वॉट आर दे, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में जो एनिमल्स को नोटोकॉर्ड, जो एनिमल्स में जो नोटोकॉर्ड सपोर्ट करता है बॉडी को, वो एब्सेंट है, और कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड विच गिव सपोर्ट टू द बॉडी, दैट इज प्रेजेंट। नाउ नॉन कॉर्डेट इज डिवाइडेड इनटू 10 फाइला, व्हाट आर दोज 10 फाइला। फाइला जो है वो प्लोरल फॉर्म में है, और फाइलम जो है वो सिंगुलर फॉर्म है। सो फाइलम, 10 फाइला क्या है, दोज 10 फाइलाज आर, फर्स्ट वन इज प्रोटोजोआ, सेकेंड वन इज पॉडीफेरा, थर्ड वन इज सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया। थर्ड वन जो सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं उसको, नहीं तो नाइडेरिया। फोर्थ वन इज प्लैटीहेलमेंथस, फिफ्थ वन इज एस्चेलमेंथस, सिक्स्थ इज एनेलिडिया, सेवेंथ आर्थ्रोपोडा, नेक्स्ट मोलस्का, देन एकाइनोडर्माटा, एंड द टेंथ वन इज हेमिकॉर्डेट। आई रिपीट वंस मोर, फर्स्ट प्रोटोजोआ, फिर उसके बाद आता है पॉरीफेरा, फिर उसके बाद आता है सिलेंट्रेटा, इसको और एक नाम दिया गया है नाइडेरिया भी। कोई नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, प्लैटीहेलमेंथस, उसके बाद आता है एस्चेलमेंथस, फिर आता है एनेलिडा, उसके बाद आता है एथ्रोपोडा, उसके बाद आता है मोलस्का, फिर एकाइनोडर्माटा और हेमिकॉर्डेटा। ये जो 10 फाइला है वो इसी सीक्वेंस में याद रखना है, डोंट चेंज द सीक्वेंस। अब ये 10 फाइला का जो नाम है, जो स्पेलिंग्स है वो बराबर याद रखना, और ये जो 10 फाइला को याद रखने के लिए एक सेंटेंस दिया है मैंने इधर, दैट इज़ व्हाट,
Please parcel coffee in plastic bag and also apple milkshake in earthen pot to have. तो ये एक सेंटेंस बाय हार्ट करोगे तो ये 10 फाइला का नाम याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा. Please का जो फर्स्ट लेटर P है दैट स्टैंड्स फॉर प्रोटोजोआ. पार्सल का जो P है दैट स्टैंड्स फॉर पॉरीफेरा. कॉफ़ी का जो फर्स्ट लेटर C है दैट स्टैंड्स फॉर सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया. नाइडेरिया में C साइलेंट है मगर स्पेलिंग में C आता है. तो C स्टैंड्स फॉर व्हाट? सिलेंट्रेटा नहीं तो नाइडेरिया. प्लास्टिक बैग का P स्टैंड्स फॉर व्हाट? प्लैटीहेलमेंथस. एंड का A स्टैंड फॉर एस्टेलमेंथस. ऑल्सो का A स्टैंड्स फॉर एनालीडा. एप्पल का A स्टैंड्स फॉर आर्थ्रोपोडा. मिल्क शेक का M स्टैंड्स फॉर मलस्का. अर्दन पॉट का E स्टैंड्स फॉर अकाइनोडर्माटा. और हैव का H स्टैंड्स फॉर वॉट? हेमीकॉर्डेटा. सो इफ यू बाय हार्ट दिस सेंटेंस इट विल बी ईजी टू रिमेंबर ऑल द 10 फाइलास नेम. और एक मेथड है PPCP 3 AM अर्थ आर. अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ वेरी सिंपल टू रिमेंबर. PPCP 3 AM अर्थ आर. आई रिपीट वंस मोर PPCP 3 AM अर्थ आर. यहाँ पे P स्टैंड फॉर प्रोटोजोआ. नेक्स्ट P स्टैंड फॉर पॉरीफेरा. C स्टैंड फॉर सिलेंट्रेटा नहीं तो नाइडेरिया. P स्टैंड फॉर प्लैटीहेलमेंथस. प्लैटीहेलमेंथस के बाद 3 A आते हैं. 3 A आते हैं. पहला A क्या है? पहला A है एस्टेलमेंथस. सेकेंड A स्टैंड फॉर एनालीडा. एंड थर्ड A स्टैंड फॉर एथ्रोपोडा. सो 3 A क्या है? एस्टेलमेंथस, एनालीडा एंड एथ्रोपोडा. M स्टैंड फॉर मोलस्का. E स्टैंड फॉर अकाइनोडर्माटा. H स्टैंड फॉर हेमीकॉर्डेटा. सो यू आइदर रिमेंबर दिस सेंटेंस टू रिमेंबर द नेम ऑफ 10 फाइला. नहीं तो ये सेकेंड वाला याद रखेगा तो भी you will remember the names of the 10 phyla. According to me, this second one is more easy to remember. That is PPCP 3 AM. 3 A ka matlab kya? 3 A aata hai. 3 AM earth R. Earth ka E aur R ka H. Next, jo subkingdom chordates hai, that is that chordates ke andar, subkingdom chordates ke andar phylum chordata aata hai. फाइलम कॉर्डेटा के अंदर 3 सब फाइलम आते हैं. व्हाट इज दैट? यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और मैमेलिया. मैमेलिया के अंदर 6 क्लासेस आते हैं. व्हाट आर दो 6 क्लासेस? साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एल्स, मैमेलिया. फर्स्ट वाला याद रखना साइक्लोस्टोमेटा. सेकंड पाइसेस जो फिश वगैरह जो पानी में रहता है एनिमल जैसे कि फिश है दैट कम्स अंडर द क्लास पाइसेस. एम्फीबिया में जो एनिमल्स लैंड में भी रहता है और पानी में भी रहता है जैसे कि फ्रॉग है दैट लिव्स इन वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड सच एनिमल्स कम अंडर द क्लास एम्फीबिया. रेप्टीलिया जो एनिमल्स क्रॉल करता है that comes under the जैसे कि lizard है. तो जो animal crawl करता है जैसे कि lizard, snake है that comes under the class reptilia. Apes जो animals जैसे birds है जो उड़ते हैं तो those animals comes under the class apes. और mammalia में जैसे कि dog, cat, elephant, human being all this comes under the class mammalia. तो ये सब classes याद रखना इतना मुश्किल नहीं है. cyclostomata सिर्फ याद रखना है. pisces क्या है? fishes. एम्फीबिया क्या है? जो लैंड और वाटर दोनों में रहता है जैसे कि फ्रॉग. रेप्टीलिया जो क्रॉल करता है एनिमल जैसे कि लिजार्ड, स्नेक है वो सब रेप्टीलिया में आता है. बर्ड्स जो रहता है वो क्लास एव्स में आता है. और डॉग, कैट, ह्यूमन बींग्स दे ऑल कम अंडर द क्लास मैमेलिया. नाउ आगे जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो सब ओमिटेड पोर्शन है लेकिन उसे बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन उसको समझ के ज़रूर ले लेना. आगे का जो भी इस लेसन में जो भी पढ़ना है वो बहुत आसान हो जाएगा. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट और मोर कन्फ्यूजिंग एंड वेरी हार्ड टू रिमेंबर. तो इसको इस वीडियो को ज़रूर देखना और अगला वीडियो को भी ज़रूर देखना क्योंकि ये जो पोर्शन है वो ओमिटेड पोर्शन है बट दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. मतलब ये समझ में आएगा तो ही आगे का जो पार्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है वो आसान हो जाएगा.
तो न्यू किंगडम जो मैंने ऊपर पढ़ाया था वो ट्रेडिशनल मेथड था, अभी न्यू वे ऑफ क्लासिफाइंग एनिमल, न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और मॉडर्न मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन उसके बारे में है. तो नाउ इट इज़ अ न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ फॉलोड. वॉट इज़ दैट? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉबर्ट विटेकर. और ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉबर्ट विटेकर क्या है? मोनेरा. आई रिपीट वंस मोर, यू डोंट हैव टू बाय हर दिस, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई एम सेइंग दिस और शोइंग दिस वीडियो. सो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमिलिया. तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉबर्ट विटेकर, दैट इज मॉडर्न मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन के अंडर क्या आता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमिलिया. अभी ऊपर जो मैंने नॉन कॉर्डेट्स के अंदर जो फाइलम प्रोटोजुआ था, प्रोटोजुआ में सब एनिमल जो यूनिसेलुलर एनिमल्स है दैट कम्स अंडर द फाइलम प्रोटोजुआ, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना. ये सब कौन से फाइलम में आता था? प्रोटोजुआ इन द ट्रेडिशनल मेथड. और प्रोटोजुआ कम्स अंडर द किंगडम एनिमेलिया. तो एनिमेलिया किंगडम के अंदर ही प्रोटोजुआ आता है, फाइलम प्रोटोजुआ आता है. और फाइलम प्रोटोजुआ में क्या है? यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम एंड ऑल कम्स अंडर द फाइलम प्रोटोजुआ. अभी न्यू मेथड में ये जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं उनको अलग करके रखा गया, जैसे कि पैरामीशियम, अमीबा, युगलीना, ये सब यूनिसेलुलर एनिमल्स था जो पहले किंगडम एनिमेलिया के अंडर ही आता था, लेकिन अभी उनको एक सेपरेट किंगडम में रखा गया है. एंड व्हाट इज़ दैट किंगडम्स नेम? सो ऑल यूनिसेलुलर एनिमल्स वर इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा. तो अभी ये सब यूनिसेलुलर एनिमल्स को एक अलग सा किंगडम एनिमेलिया से हटा के एक अलग सा किंगडम प्रोटिस्टा में ये सब यूनिसेलुलर एनिमल्स आर केप्ट इन दैट पर्टिकुलर किंगडम. एंड ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल्स वर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया. तो पहले जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें एनिमेलिया किंगडम में यूनिसेलुलर भी था, मल्टीसेलुलर भी था, लेकिन अभी मॉडर्न मेथड में मल्टीसेलुलर एनिमल्स किंगडम एनिमेलिया में आता है और यूनिसेलुलर एनिमल्स जो है वो अलग सा किंगडम में रखा गया. कौन सा है? प्रोटिस्टा. अब ये मॉडर्न मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा बेसिस में ये एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया? सो दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन क्राइटेरिया लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी, जर्मेनियल लेयर एंड सेगमेंटेशन. तो न्यू मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन विच क्राइटेरिया? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी, जर्मेनियल लेयर, सेगमेंटेशन. तो अगला वीडियो में मैं इसी क्राइटेरिया के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो बाय हार्ट नहीं करना है लेकिन समझ के ज़रूर ले लेना, देन ओनली योर फर्दर जो आगे का जो पोर्शन इस लेसन का है वो समझ में आएगा. इट विल बिकम मोर इजी, नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा. नाउ क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एनिमल्स को कौन से बेसिस या कौन से क्राइटेरिया के बेसिस में उसे क्लासिफाई किया गया है? फर्स्ट वन इज़ व्हाट? ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. जो एनिमल्स है उसमें बहुत एनिमल्स इज मेड अप ऑफ व्हाट? ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ व्हाट? सेल्स. ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर दिखता है स्ट्रक्चर में और उसका दे परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो रहता है वो कम टुगेदर टू फॉर्म व्हाट? टिश्यूज. उसी तरह जो टिश्यूज़ है, अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ विच डज अ पर्टिकुलर फंक्शन, दे कम टुगेदर टू फॉर्म व्हाट? ऑर्गन्स. ऑर्गन्स क्या होता है? जैसे कि लिवर, स्टमक, हार्ट एक्सेट्रा, दीज आर नोन एज ऑर्गन्स. उसी तरह बहुत सारे ऑर्गन्स कम टुगेदर टू फॉर्म व्हाट? ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. और ऑर्गन सिस्टम, ये सब ऑर्गन सिस्टम इकट्ठा होके क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म. सो ऑल द ऑर्गन सिस्टम कम टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गेनिज्म. नाउ इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स मेनी सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. तो मल्टीसेलुलर एनिमल्स में बहुत सारे सेल्स रहते हैं और मेनी सेल्स परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन. हर एक जो ग्रुप ऑफ सेल्स है परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, मगर यूनिसेलुलर एनिमल्स में ऐसा नहीं है. इन यूनिसेलुलर एनिमल्स ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय वन सेल. यूनिसेलुलर एनिमल इज मेड अप ऑफ वन सेल, तो ये एक सेल सब फंक्शंस परफॉर्म करता है. तो ऐसे टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो यूनिसेलुलर एनिमल्स में है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिसेलुलर एनिमल्स इसको क्या बोलता है? प्रोटोप्लास्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन.
Now, if tissues are not formed in multicellular animals, their body organization is called what? Cellular grade organization, example phylum Porifera. इसका मतलब क्या है? Some animals ऐसा होता है, वो multicellular है, लेकिन इसमें अब तक tissues form नहीं हुआ है. पहला जो था वो सिर्फ single cell था, अभी next वाला बहुत सारा cell है लेकिन इसमें tissues form नहीं हुआ है. तो ऐसा type of body organization, इसको क्या बोलते हैं? सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. एग्जाम्पल क्या है? फाइलम पॉरीफेरा. पॉरीफेरा में जो भी आता है, दे ऑल हैव सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट वन इज वॉट? इन सम एनिमल्स सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ विच ऑल द बॉडी फंक्शंस आर परफॉर्म. देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज वॉट? सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल फाइलम नाइडेरिया. तो कोई 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 एनिमल्स में टिश्यूज तो फॉर्म हुआ है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल कम्स टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज. पिछला वाला जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन बताया था उसमें बहुत सारे सेल्स था लेकिन टिश्यूज फॉर्म नहीं हुआ था. अभी नेक्स्ट वन में टिश्यूज है लेकिन ऑर्गन्स अब तक फॉर्म नहीं हुआ है. तो इन सम एनिमल सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ विच ऑल द बॉडी फंक्शंस आर परफॉर्म. तो ये टिश्यूज परफॉर्म ऑल द बॉडी फंक्शन, मगर इसमें ऑर्गन्स अब तक फॉर्म नहीं हुआ है. तो ऐसे टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं? सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल कौन सा फाइलम? नाइडेरिया. नाइडेरिया फाइलम को और एक नाम है, दैट इज़ वॉट? सिलेंट्रेटा. तो जो भी एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स फाइलम नाइडेरिया में है, दे परफॉर्म वॉट? सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो फर्स्ट वी हैड स्टडीड वॉट? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सिर्फ एक सेल सब फंक्शन करते हैं. नेक्स्ट वी हैड स्टडीड वॉट? सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बहुत सारे सेल्स तो है लेकिन टिश्यूज अब तक फॉर्म नहीं हुआ और ये सेल्स जो रहता है वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं. इसको कहते हैं सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज वॉट? सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इसमें टिश्यूज तो फॉर्म हुआ है लेकिन ऑर्गन्स अब तक फॉर्म नहीं हुआ इस एनिमल्स में. तो इसे कहते हैं सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. नाउ इन सम एनिमल टिश्यूज कम टुगेदर टू फॉर्म सम ऑर्गन. अभी नेक्स्ट वाले में बहुत सारा टिश्यूज जो है वो टुगेदर, दे कम टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, लेकिन इसमें ऑर्गन सिस्टम अब तक बना नहीं है. हाउएवर कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम्स आर नॉट फॉर्म, देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज वॉट? टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल फ्लैट वॉर्म. जो फ्लैट वॉर्म्स है उसमें कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. नाउ इन रिमेनिंग ऑल एनिमल्स, उसका मतलब क्या है? जो यूनिसेल एनिमल्स जो है उसको छोड़ के सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज फाइलम पॉरीफेरा और फाइलम नाइडेरिया और फ्लैट वॉर्म्स को छोड़ के बाकी सब रिमेनिंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन्स कम टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. तो ये जो ऊपर मैंने जो एक्सप्लेन किया था, फाइलम पॉरीफेरा, मल्टीसेलुलर एनिमल्स में फाइलम पॉरीफेरा, नाइडेरिया और फ्लैट वॉर्म्स, इनको छोड़ के बाकी सब एनिमल्स में ऑर्गन्स कम टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स टुगेदर कम एंड डू द फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन. दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज वॉट? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल क्रैब, फ्रॉग, ह्यूमन एक्सेट्रा हैव ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो वॉट आर द डिफरेंट ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सिंगल सेल डज ऑल द फंक्शन. नेक्स्ट आता है सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बहुत सारा सेल्स रहते हैं लेकिन टिश्यूज अब तक फॉर्म नहीं हुआ है, उसको कहते हैं सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद आता है सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीसेलुलर एनिमल्स है, उसमें टिश्यूज फॉर्म हुआ है लेकिन ऑर्गन्स अब तक फॉर्म नहीं हुआ है. नेक्स्ट में टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टिश्यूज कम टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, लेकिन इसमें ऑर्गन सिस्टम अब तक फॉर्म नहीं हुआ है, उसको कहते हैं टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. और लास्ट वाला क्या है? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें ऑर्गन्स कम टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, hence it is known as organ system grade organization. For example crab, frog, human, etc. So from this we come to know that how
एनिमल्स जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व होते जा रहा है। तो पहले सिर्फ सिंगल सेल था, उसके बाद सेल्स बहुत था लेकिन टिश्यू नहीं था, उसके बाद जो था टिश्यू फॉर्म हुआ लेकिन ऑर्गन नहीं फॉर्म हुआ था, नेक्स्ट में ऑर्गन था लेकिन ऑर्गन सिस्टम फॉर्म नहीं हुआ था, और लास्ट वाले में पूरा ऑर्गन सिस्टम भी फॉर्म हुआ। सो फ्रॉम दिस वी कम टू नो हाउ एनिमल्स जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व होते जा रहा है। नाउ डिफरेंट ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पिक्चर्स पेज नंबर 64 में दिया है। दिस इज़ अमीबा, दिस इज़ पैरामीशियम। अमीबा पैरामीशियम दोनों भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें कौन सा टाइप ऑफ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? प्रोटोप्लास्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन साइकॉन का फोटो दिया है। साइकॉन इज मल्टी सेलुलर एनिमल मगर इसमें टिश्यूज अब तक फॉर्म नहीं हुआ है। तो ये कौन सा टाइप ऑफ ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है? सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज जेली फिश। जेली फिश में टिश्यूज तो फॉर्म हुआ है लेकिन ऑर्गन्स अब तक फॉर्म नहीं हुआ है इसमें। तो ये कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म में ऑर्गन्स फॉर्म हुआ है लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं फॉर्म हुआ है। तो ये कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। द लास्ट इज व्हाट? जिसमें ऑर्गन्स कम टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ए दिस इज व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस इज सीन इन विच एनिमल? जैसे कि ह्यूमंस, डॉग, कैट्स, फ्रॉग्स, क्रैब एक्सेट्रा। इसमें ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सो फ्रॉम दिस वी कम टू नो हाउ द एनिमल्स, फ्रॉम दिस फोटोज वी कम टू नो कि कैसे एनिमल्स धीरे धीरे इवॉल्व होते गए। जो पहले यूनिसेलुलर था फिर मल्टी सेलुलर था मगर उसमें टिश्यूज फॉर्म नहीं हुआ था, बाद में टिश्यूज फॉर्म हुआ लेकिन ऑर्गन्स नहीं फॉर्म हुआ था, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है उसमें ऑर्गन्स फॉर्म हुआ था लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं फॉर्म हुआ था, और इसमें द मोस्ट इवॉल्व एनिमल दैट इज ह्यूमन बींग, इसमें ऑर्गन सिस्टम भी फॉर्म हुआ है जो विच परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। सो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हुआ है, डिफरेंट ऑर्गन्स कम टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, इसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ सेकेंड क्राइटेरिया ऑन विच बेस इज द न्यू मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन इज डन, दैट इज़ वॉट? बॉडी सिमेट्री। तो एनिमल क्लासिफिकेशन, न्यू मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन का सेकेंड क्राइटेरिया क्या है? बॉडी सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या है? इन इमेजिनरी सेंस इफ बॉडी ऑफ एनी एनिमल इज कट थ्रू इमेजिनरी एक्सिस ऑफ बॉडी इट मे और मे नॉट प्रोड्यूस टू इक्वल आर्म्स। डिपेंडिंग अपॉन दिस प्रॉपर्टी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल बॉडीज। वॉट आर दे? असिमेट्रिकल बॉडी, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। तो सिमेट्री का मतलब क्या? अगर इमेजिन करो कोई भी एक इमेजिनरी एक्सिस में एनिमल बॉडी को कट किया जाए तो टू इक्वल पार्ट, या तो वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा नहीं तो वो टू इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड होगा। तो ये इमेजिनरी एक्सिस को कहते हैं सिमेट्री। तो बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी तीन टाइप ऑफ एनिमल बॉडीज है। वॉट आर दे? असिमेट्रिकल बॉडी, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। नाउ व्हाट इज असिमेट्रिकल बॉडी? द बॉडी हैज़ नो सच इमेजिनरी एक्सिस थ्रू विच वी कैन गेट टू इक्वल हाल्व्स। एग्जाम्पल इज व्हाट? अमीबा, पैरामिशियम, स्पॉन्जेस एक्सेट्रा। तो असिमेट्रिकल बॉडी का मतलब क्या? ये जो एनिमल बॉडी है उसको कोई भी ऐसा इमेजिनरी एक्सिस नहीं है जिसे वो एनिमल बॉडी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि अमीबा, पैरामिशियम, स्पॉन्जेस एक्सेट्रा। यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम कि ये अमीबा का डायग्राम है। अगर मैंने अमीबा को इस तरह कट किया वर्टिकली तो ये दो पार्ट्स जो कट करने के बाद मिलता है वो दोनों भी इक्वल नहीं है। अगर मैंने हॉरिजॉन्टली कट किया तो ये दो पार्ट्स जो कट करने के बाद मिलता है वो दोनों भी इक्वल नहीं है। इफ़ आई कट देम डायगनली ऑल्सो आई गेट टू पार्ट्स विच आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, दैट इज़ दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। सो सच टाइप ऑफ एनिमल इज नोन एज वॉट? असिमेट्रिकल बॉडी। तो इसको, इस पर्टिकुलर बॉडी को क्या बोलते हैं?
asymmetrical body. Second one is what? Radial symmetry. Now what is radial symmetry? In this type of body, if imaginary cut passes through central axis but any plane of body, it gives two equal halves. Example is what? Starfish. In this animal, there are five different planes passing through central axis of body through which we can get two equal halves. So radial symmetry kya hota hai? इसमें जो इमेजिनरी एक्सिस जिससे बॉडी को डिवाइड कट करते हैं तो वो रेडियस से कट किया जाता है, जो सेंटर से पास होना चाहिए वो कट जो है वो सेंटर से कट होना चाहिए, और जब ये कट किया जाता है तो दो पार्ट्स जो बनता है वो दोनों भी इक्वल रहता है. फॉर एग्जांपल स्टारफिश, स्टारफिश में उसको पांच तरीके से कट करो तो हमेशा टू इक्वल पार्ट्स मिलते हैं. यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, ये स्टारफिश है, दिस इज स्टारफिश. इफ़ आई कट द स्टारफिश दिस वे, दिस इज़ अ रेडियस, इट इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर, इट डिवाइड्स द स्टारफिश इनटू टू इक्वल पार्ट्स. नाउ इंस्टेड ऑफ कटिंग दिस वे, इफ़ आई कट दिस वे देन ऑल्सो आई गेट टू इक्वल पार्ट्स. तो इस तरह भी कट किया जाए तो मुझे दो इक्वल पार्ट्स मिलता है विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. इफ़ आई कट दिस वे ऑल्सो आई विल गेट टू इक्वल पार्ट्स. सिमिलरली इफ़ आई कट दिस वे and this way, then also I get two equal parts. So starfish can be cut five different ways. It can be cut in five different ways to get two equal parts. अगर मैंने केक लिया तो केक को मैंने इस तरह सेंटर से पास करके मैंने उसको कट किया, देन आई विल गेट टू इक्वल पार्ट्स. इफ़ आई कट दिस वे देन ऑल्सो आई विल गेट टू इक्वल पार्ट्स. इफ़ आई कट दिस वे देन ऑल्सो आई गेट टू इक्वल पार्ट्स. सो सच टाइप ऑफ सिमेट्री इज नोन एज वॉट? रेडियल सिमेट्री. नेक्स्ट इज वॉट? बायलैटरल सिमेट्री. इन दिस टाइप ऑफ बॉडी there is only one such imaginary axis of body through which we can get two equal halves. Examples are what? Insects, fishes, frog, human, etc. तो bilateral symmetry में सिर्फ एक ही तरीके से body को divide कर सकते two equal parts में. इस type of symmetry को क्या बोलते हैं? Bilateral symmetry. You can see in this diagram, ये इंसेक्ट को जब मैं वर्टिकली कट करती हूँ तो आई गेट टू इक्वल टू पार्ट्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. अगर मैंने इसको हॉरिजॉन्टली कट किया तो दिस पार्ट इज नॉट अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. सिमिलरली इफ आई कट देम डायगनली देन दिस पार्ट इज नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. देर इज ओनली वन इमेजिनरी एक्सिस दैट इज वर्टिकली ओनली इट कैन बी कट. सो सच टाइप ऑफ सिमेट्री इज नोन एज वॉट? बायलैटरल सिमेट्री. The third criteria on which basis the new method of animal classification is done, that is what? Germ layer. तो थर्ड क्राइटीरिया क्या है जिससे न्यू मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन किया गया है? वो है जर्म लेयर्स. नाउ व्हाट इज जर्म लेयर्स? इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड फ्रॉम दोस जर्म लेयर्स डिफरेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड इन द बॉडी. तो जर्म लेयर्स क्या होता है? इनिशियल एम्ब्रॉय स्टेज में रहता है तो ग्रुप ऑफ सेल्स रहता है, वो ग्रुप ऑफ सेल्स को जर्म लेयर्स बोलता है. इसी ग्रुप ऑफ सेल्स से डिफरेंट टिश्यूज़ बनता है आगे जाके जब ये वो डेवलप होने लगता है तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो टिश्यूज़ बनता है. इसी टिश्यूज़ में से बाद में ऑर्गन्स बनता है और इसी ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है एंड एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड. तो जर्म लेयर इनिशियल स्टेज में दिखाई देता है एम्ब्रॉय स्टेज में, जो ग्रुप ऑफ सेल्स है जिससे आगे जाके ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम बनता है उसी को कहते हैं जर्म लेयर्स. नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ जर्म लेयर्स, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. नाउ व्हाट इज डिप्लोब्लास्टिक? इन सम एनिमल्स ओनली टू जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. सच एनिमल्स आर नोन एज डिप्लोब्लास्टिक. फॉर एग्जाम्पल ऑल निडेरियंस. तो डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ दो लेयर रहता है, जो आउटर लेयर रहता है उसको एक्टोडर्म बोलते हैं और जो इनर लेयर रहता है उसको एंडोडर्म. तो इनर लेयर इज नोन एज एंडोडर्म एंड द आउटर लेयर इज नोन एज एक्टोडर्म. सो देर आर ओनली टू लेयर्स, हेंस दे आर नोन एज डिप्लोब्लास्टिक एंड सच एनिमल्स आर नोन एज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. और ये कौन सा फाइलम में दिखाई देता है? नाइडेरियंस. नाइडेरियंस में जो भी एनिमल्स है दे आर ऑल डिप्लोब्लास्टिक. इन ऑल द रिमेनिंग एनिमल्स देर आर थ्री जर्म लेयर्स. वॉट आर दे? एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म.
तो निडेरियंस फाइलम को छोड़ के आगे जो भी फाइलम आते हैं, आगे जो भी एनिमल्स आते हैं निडेरियंस के बाद, उसमें सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक रहता है, थ्री लेयर्स रहता है, और वो सब एनिमल्स को ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं और ऑर्गेनिज्म दिया सर। ट्रिप्लोब्लास्टिक में भी आउटर लेयर को एक्टोडर्म बोलता है, इनर लेयर को एंडोडर्म बोलता है, और आउटर लेयर इनर लेयर के बीच में जो लेयर रहता है मिडल लेयर, उसको मीसोडर्म बोलता है। सो इन ट्रिप्लोब्लास्टिक देर आर थ्री जर्म लेयर्स, थ्री लेयर्स नॉट जर्म लेयर्स, थ्री लेयर्स, व्हाट आर दे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीसोडर्म। इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो लेयर है दैट इज़ डेड लेयर, देर इज़ नो लेयर ओवर हियर, ओनली टू लेयर्स आर देयर, व्हाट आर दे, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सो इन डिप्लोब्लास्टिक ओनली टू लेयर्स आर देयर, व्हाट आर दे, आउटर लेयर इज़ नोन एज एक्टोडर्म एंड इनर लेयर इज़ नोन एज एंडोडर्म। और ये कौन से एनिमल में दिखाई देता है? ऑल द एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन फाइलम नाइडेरियंस। नाइडेरियंस आर ऑल्सो नोन बाय अनदर नेम, वॉट इज दैट, सिलैंट्रेटा। और नाइडेरियंस के बाद जो भी फाइलम आता है, जो भी एनिमल्स आते हैं, सब रिमेनिंग एनिमल्स में कितना लेयर्स रहता है? थ्री लेयर्स, एंड दे आर नोन एज वॉट, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसमें तीन लेयर्स क्या रहता है? आउटर लेयर एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो लेयर रहता है मिडल लेयर, उसको क्या बोलते हैं? मीसोडर्म। न्यू मेथड, न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल का फोर्थ क्राइटेरिया क्या है? बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? सीलम। कैविटी बिटवीन द बॉडी एंड द इंटरनल ऑर्गन्स इज कॉल्ड बॉडी कैविटी और सीलम। तो जो ऑर्गन्स है इंटरनल बॉडी के अंदर, जो ऑर्गन्स रहता है जैसे कि हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन, स्टमक, इन ऑर्गन्स और बॉडी के बीच में कैविटी रहता है, उसी को कहते हैं बॉडी कैविटी और सीलम। इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ द एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट बॉडी कैविटी इज फॉर्म्ड फ्रॉम आइदर मीसोडर्म और गट। व्हाट इज गट? इंटेस्टाइन और स्टमक। Such animals are called as what? Eucelamate. Animals with true body cavity. Eucelamate means what? Animals with true body cavity. Examples are what? Animals of phylum Annelida and all phyla after Annelida. तो मल्टीसेलुलर एनिमल्स में जब इनिशियल पीरियड, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट का इनिशियल पीरियड में बॉडी कैविटी फॉर्म होता है, और ये बॉडी कैविटी किससे फॉर्म होता है? या तो मीसोडर्म से, नहीं तो गट से। व्हाट इज मीसोडर्म? आई हैड एक्सप्लेन जस्ट नाउ, इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में थ्री लेयर्स रहता है, आउटर लेयर को एक्टोडर्म बोलता है, इनर लेयर को एंडोडर्म बोलता है, और मिडल लेयर को मीसोडर्म बोलता है। तो फ्रॉम दिस मीसोडर्म बॉडी कैविटी इज फॉर्म्ड। सच एनिमल्स आर नोन एज व्हाट? यूसिलामेट। तो जिनमें बॉडी कैविटी फॉर्म हुआ है, दैट इज़ दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी, उस एनिमल्स को कहते हैं यूसिलामेट। एग्जाम्पल्स, कौन से एनिमल्स में यूसिलामेट बॉडी कैविटी है? एनिमल्स ऑफ फाइलम एनालिडा एंड ऑल फाइला आफ्टर एनालिडा। यानी जो भी एनिमल्स फाइलम एनालिडा में है और उसके आगे, एनालिडा के आगे जो भी फाइलम आता है, उन सब फाइलम में सब एनिमल्स को बॉडी कैविटी कैसा है? यूसिलामेट। नाउ बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इन एनिमल्स, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इन एनिमल्स फ्रॉम फाइला, पॉरीफेरा, निडेरिया एंड प्लैटीहेलमिंथ। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज व्हाट? असिलामेट। तो जिन एनिमल्स में बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं है, कम्प्लीटली एब्सेंट है, सच एनिमल्स आर नोन एज व्हाट? असिलामेट। और ये असिलामेट बॉडी कैविटी कौन से एनिमल्स में रहता है? ऑल द एनिमल्स फ्रॉम फाइला, पॉरीफेरा, निडेरिया एंड प्लैटीहेलमिंथस। नाउ इन एनिमल्स फ्रॉम फाइलम एस्चेलमिंथस, दे हैव अ बॉडी कैविटी बट इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय द अबव मेंशन्ड टू वेज। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज व्हाट? सूडोसिलामेट। नेक्स्ट इज व्हाट? सूडोसिलामेट। इस जो एनिमल्स एस्चेलमिंथस में है, ये एनिमल्स में बॉडी कैविटी तो है लेकिन ये फुली फॉर्म्ड नहीं हुआ है, तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? सूडोसिलामेट। सो सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज व्हाट? सूडोसिलामेट। जब पढ़ाई करते वक्त सिस्टमैटिकली पढ़ना, पहला असिलामेट, फिर सूडोसिलामेट, फिर यूसिलामेट, टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है, बट व्हेन यू स्टडी इट सिस्टमेटिकली, दैट इज़ जो एनिमल्स
में बॉडी कैविटी एब्सेंट है, कम्प्लीटली एब्सेंट है. कौन सा फाइलम है? फाइलम पॉरीफेरा, नाइडेरिया और प्लैटीहेलमिन्थेस में बॉडी कैविटी इज कम्प्लीटली एब्सेंट. दैट सच एनिमल्स आर नोन एज व्हाट? अ सिलैमिड. नेक्स्ट सूडो सिलैमिड. इसमें बॉडी कैविटीज तो फॉर्म हुआ है लेकिन ये कम्प्लीटली फॉर्म नहीं हुआ, इट इज़ इनकम्प्लीट. सच एनिमल्स आर नोन एज व्हाट? सूडो सिलैमिड. और ये कौन से एनिमल्स है? एनिमल्स फ्रॉम फाइलम एस्टेलमिन्थेस. नेक्स्ट इज यू सिलैमिड. यू सिलैमिड्स में बॉडी कैविटी कम्प्लीटली फॉर्म हुआ है, दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी. सच एनिमल्स आर नोन एज यू सिलैमिड. और कौन से एनिमल्स नोन एज यू सिलैमिड? एनिमल्स फ्रॉम फाइलम एनिलिडा. और एनिलिडा के आगे जो भी फाइलम है उन फाइलम का सब एनिमल्स में यू सिलैमिड बॉडी कैविटी है. तो फर्स्ट कम वॉट? अ सिलैमिड. सो इफ़ यू स्टडी प्रॉपरली, मतलब जैसे जैसे एनिमल्स इवॉल्व होते गया तो पहले जो था अ सिलैमिड था, पॉरीफेरा, नाइडेरिया और प्लैटीहेलमिन्थेस में, इसमें बॉडी कैविटी कम्प्लीटली एब्सेंट था. उसके बाद नेक्स्ट बॉडी कैविटी तो फॉर्म हुआ लेकिन ये कम्प्लीटली फॉर्म नहीं हुआ, इट वॉज इनकम्प्लीट. इसको कहते हैं सूडो सिलैमिड. द एनिमल्स फ्रॉम फाइलम एस्टेलमिन्थेस. उसके बाद जैसे जैसे इवॉल्व होते गया तो नेक्स्ट फाइलम जो है एनिलिडा, और एनिलिडा के आगे जो भी फाइलम है, इन एनिमल्स में जो बॉडी कैविटी कम्प्लीटली फॉर्म हुआ है, दे आर नोन एज यू सिलैमिड. सो अ सिलैमिड, नो बॉडी कैविटी. सूडो सिलैमिड, बॉडी कैविटी इज़ देयर बट इट इज़ इनकम्प्लीट. और यू सिलैमिड में कम्प्लीट बॉडी कैविटी इज़ फॉर्म्ड. नाउ नेक्स्ट क्राइटीरिया, न्यू सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट क्राइटीरिया क्या है? बॉडी सेगमेंटेशन. इफ बॉडी ऑफ एनिमल्स इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सिमिलर यूनिट्स देन सच अ बॉडी इज कॉल्ड एज सेगमेंटेड बॉडी एंड ईच स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेगमेंट. एग्जांपल्स, एनिमल्स लाइक अर्थवर्म फ्रॉम फाइलम एनिलिडा. सो इफ़ यू सी अर्थवर्म, अर्थवर्म को देखें, इफ़ यू हैव ऑब्जर्व अर्थवर्म प्रॉपरली, तो इसमें छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स है, सिमिलर स्मॉल यूनिट्स है, और ये सिमिलर स्मॉल यूनिट्स को क्या कहते हैं? सेगमेंट्स. एंड दिस एंड द बॉडी इज नोन एज व्हाट? सेगमेंटेड बॉडी. एग्जाम्पल इज व्हाट? अर्थवर्म फ्रॉम फाइलम एनिलिडा. सो दिस इज़ द फिफ्थ क्राइटेरिया ऑफ न्यू एनिमल क्लासिफिकेशन. न्यू सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन का फिफ्थ क्राइटेरिया क्या है? बॉडी सेगमेंटेशन. नाउ वॉट एवर इज देयर ऑन पेज नंबर 63, द लास्ट टू पैरा इज कम्प्लीटली ओमिटेड. एंड 64 और 65 और 66 में बॉडी सेगमेंटेशन तो कम्प्लीटली ओमिटेड है, बट यू गो थ्रू ऑल दिस. वाई? बिकॉज यू शुड बी फेमिलियर विथ ऑल दोज वर्ड्स, देन ओनली जो आगे जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हर फाइलम के बारे में, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें ये सब वर्ड्स यूज़ किया जाएगा, एंड यू शुड नो वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल दिस वर्ड्स. देन इट विल बिकम मोर एंड मोर ईजियर वेन यू स्टडी द नेम्स ऑफ द फाइलम. स्टडी इट सिस्टमैटिकली बिकॉज दैट इज़ अ वे द एनिमल्स स्टार्ट evolving, means it became better and better, more evolved, और भी ज़्यादा evolved होते गया. उसी तरह जो criteria use किया गया classify करने के लिए इस animals को, that is also based on the way the animals became more and more evolved. So study all those terms and words properly, understand their meaning. You don't have to buy-heart it because it is a omitted portion, लेकिन उन words का मतलब समझ में आ गया, उन वर्ड्स को याद रखना तो आगे का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ने में बहुत इजी हो जाएगा.